हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, बट एक स्टेज ऐसी आती है तब हमारी स्ट्रेंथ लॉक्ड हो जाती है और काफ़ी समय तक सेम स्ट्रेंथ पे हम वर्कआउट करते हैं, ना तो हमें रिजल्ट मिलता है ना तो हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। अगर आपके मसल प्रॉपर बिल्ड नहीं होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ेगी। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रेंथ और स्टेमिना में क्या फ़र्क होता है। अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं इन दो शब्द में, स्ट्रेंथ और स्टेमिना में। कुछ तो सोचते हैं कि स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों एक हैं, तो आज मैं आपको क्लियर शब्द में बताऊंगा कि स्ट्रेंथ क्या होती है और स्टेमिना क्या होता है। स्ट्रेंथ, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट लिफ्टिंग, सबसे टॉप की आप जो लिफ्ट करते हो एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। सेम स्टेमिना, कंटिन्यू आप कितने टाइम तक आप वो काम कर पा रहे हो। जैसे मैं बात करूं एक्सरसाइज की, आप कितने घंटे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, दैट इज योर स्टेमिना। जो आपने एक घंटा एक्सरसाइज परफॉर्म करी है, मतलब आपका इतना स्टेमिना है आपके अंदर, आप एक घंटा एक्सरसाइज कर सकते हो। और स्ट्रेंथ वो है पर्टिकुलर टाइम पे हाईएस्ट जो आप वेट लिफ्ट करते हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ भी सेम नहीं होती है। मैंने आपको पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने बोला 150 किलो, बट मैं बोलूँगा बाइसेप प्रेस करो 150 kg पे, आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपके हर मसल की स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। आप डेड लिफ्ट 200 kg तक लगा सकते हो, बट सेम अगर मैं बात करूँ चेस्ट की, आप 200 kg चेस्ट पे प्रेस नहीं कर पाओगे। अगर आपकी डेड लिफ्ट 200 kg है तो उस वक्त आपकी चेस्ट की स्ट्रेंथ 100 kg नहीं हो सकती है। सेम बाइसेप की स्ट्रेंथ भी आपकी 200 kg या 100 kg नहीं हो सकती है। ट्राइसेप की, सो डिफरेंट डिफरेंट मसल की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। चेस्ट की बात करें तो 100 kg का बेंच प्रेस करता हूँ, मतलब 100 kg आपकी स्ट्रेंथ है। बाइसेप की बात करिए, अगर आप 60 किलो तक लगाते हो तो मतलब 60 kg आप बाइसेप के ऊपर लिफ्ट कर सकते हो, दैट इज योर बाइसेप स्ट्रेंथ। तो डिफरेंट मसल की डिफरेंट स्ट्रेंथ है। और स्टेमिना हो गया कि आप कितने लंबे समय तक टिक रहे हो किसी भी काम को परफॉर्म करने में, वो आपका स्टेमिना है बिना किसी परेशानी के। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रेंथ और स्टेमिना में क्या फर्क है। अगली बार आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा स्टेमिना के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर कि हमारी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स रहती हैं और हमें क्या करना होगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकें। नंबर वन, वर्कआउट पोजीशन, जहाँ जिसे हम वर्कआउट पोस्चर भी कहते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करने आए हैं तो उस वक्त आपको वेट लिफ्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। सबसे पहले उस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है, क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए, क्या हमारा बॉडी पोस्चर होना चाहिए जब हम उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। अगर आप गलत एक्सरसाइज करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, ना ही आपके मसल बिल्ड होंगे। स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मसल। अगर मसल दिन ब दिन ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर आप प्रॉपर अच्छे पोजीशन में अच्छे पोस्चर से वर्कआउट परफॉर्म करते हो तो ही जाके आपका उस पर्टिकुलर मसल का ब्रेकडाउन होगा और वापस वो रिकवर होगा, तो वो बढ़ेगा जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बट वही दूसरी तरफ बात करें, अगर आपका पोजीशन गलत है, आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म गलत वे से कर रहे हो, तो मतलब वो प्रॉपर मसल ट्रेन नहीं हो रहा है। जिस भी मसल को आप ट्रेन कर रहे हो प्रॉपर, उसको आप ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो वो प्रॉपर बिल्ड नहीं होगा, तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ रुक जाएगी। इवन कि आपको इंजरीज भी आ सकती हैं। आप जिस मसल को ट्रेन कर रहे हो उसके साथ आपके जॉइंट्स, कमर, बैक, हर तरह की इंजरी का होने का चांस पड़ सकता है। क्योंकि जब हम हैवी लिफ्ट करते हैं तो हम अगर प्रॉपर वे से करेंगे तो मसल्स ब्रेक होगा तो बिल्ड होगा, दैट्स गुड। बट हमें जॉइंट्स को नहीं बढ़ाना होता है, जॉइंट्स वैसे ही वैसे रहते हैं। अगर आप गलत एक्सरसाइज करोगे तो आपके जॉइंट पे लोड आएगा, जॉइंट टूटेंगे, आपको इंजरी होगी और कभी आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। जब भी जिम में घुसते हो तो सबसे पहले जब भी कोई आपको ट्रेनर गाइड करता है, एक्सरसाइज के बारे में बताता है, गलत नहीं करना, उस एक्सरसाइज की पोजीशन को पहले परफेक्ट करना है। जब आपकी 100% पोजीशन परफेक्ट होगी तो आपको लो वेट से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज करना, फिर कोई परेशानी नहीं है। फिर आपकी दिन में दिन मसल भी बिल्ड होते जाएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। बट पोजीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्सरसाइज करते हो, डेड लिफ्ट, चेस्ट, बेंच प्रेस, बाइसेप कर्ल, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, स्क्वाट्स,
इनमें गलती नहीं करनी है, मसल्स को ट्रेन करना है, ना कि जॉइंट्स को करना है। जॉइंट्स को ट्रेन करोगे तो हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, मसल्स को ट्रेन करोगे तो अच्छी बॉडी दिखेगी। तो नंबर वन ये मिस्टेक है, इसको ऐसे इंप्रूव भी करना है, आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है, इसको सीखना है, उसके बाद वर्कआउट चालू करना है। नंबर टू हो गया वेट जंप। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा कारण है हमारी स्ट्रेंथ को लो करने का। हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम जंप कर देते हैं वेट का, एकदम से हम ज़्यादा वेट डालते हैं। अगर पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद जब आपने हैवी लिफ्ट करा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधा 10-10 केजी का वेट ऐड कर देते हैं, सीधा 20 केजी का जंप ले लेते हैं। तो 20 केजी का जब हम जंप लेते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि हमारी एक्चुअली हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, और वहां पे हम फेल हो जाते हैं। जब हम फेल हो जाते हैं तो उस पर हम अटके रहते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा जंप लिया, 20 केजी बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं चेस्ट बेंच प्रेस 100 केजी मैंने लिफ्ट कर लिया, ठीक है, लिफ्ट कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, 20 केजी सीधा डाल दिया। अब सपोज मेरी स्ट्रेंथ ही 105 या 107 केजी है तो मैं 120 तक डायरेक्ट नहीं आ सकता हूं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपको इसको इंप्रूव करना होगा। आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपनी स्ट्रेंथ पता करो कि मेरी हाईएस्ट स्ट्रेंथ कितनी है, सेल्फ बॉडी वेट पे मैं बिना सपोर्ट के कितना उठा सकता हूं। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ढाई ढाई किलो ऐड करना है, जंप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा वेट ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेंच प्रेस लगाया 100 केजी का, उसके बाद मैंने क्या ढाई ढाई किलो ऐड करा, 105 केजी का भी मैंने लगा लिया, 4-5 रैप्स लगा ली, फिर मैंने क्या किया ढाई ढाई और करा, मेरा हो गया 110 केजी का बेंच प्रेस, तब मैंने क्या किया 1-2 रैप्स लगा ली। तो 1-2 रैप्स लगाए मतलब वो आपकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, आपको आप 110 केजी तक आप उठा सकते हो। तो ये इस तरह से आपको पता चल गया कि आपकी इस वक्त कितनी स्ट्रेंथ है, 110 केजी। अब आप 120 केजी सीधा उठाओगे तो उधर आप फेल हो जाओगे, 10 केजी बहुत ज्यादा होता है, जब हाईएस्ट पीक पे होते हैं तब 1 केजी भी बैरी करता है। तो आप इसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, आपको क्या करना है, 110 केजी का बेंच प्रेस में 1-2 रैप्स लगाए आपने, ठीक है, उसको ट्राई करते जाना है 4-5-6-7-8-9-10, दो तक आप सेल्फ आ गए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सपोर्ट ले लेनी है। जब आप 112 तक सपोर्ट के साथ पहुंच गए, मतलब आप 5-6 रैप सेल्फ तक पहुंच चुके हो, तो उसको क्या करना, जब आपने 112-110 केजी पे सेल्फ लगा ली तो मतलब उस वक्त वेट बढ़ाने की जरूरत है। आपने जब 2.5 किलो और डाला तो आप 115 तक पहुंच गए, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 115 पे वापस आपने देखना कितना, 3-4 आप रैप्स लगा सकते हो। जब आप सेल्फ 10-12 रैप्स लगा ले तो उसके बाद आपको 2.5 केजी वेट इंक्रीज करना है। इस तरह से आप 110-115 पे पहुंच जाओगे, 115-120 में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जंप करोगे तो 120 की स्ट्रेंथ आप कभी भी गेन नहीं कर पाओगे, बट इस वे से आप 120-125-130 तक भी जाओगे, आपको बॉडी जो आप एक साल में भी आप इतना स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाए वो आप 3 महीने में इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लोगे। तो इस तरह से आपको मिस्टेक को इंप्रूव करना है। नंबर 3 हो गया बेस्ट पार्टनर सपोर्ट या फिर ट्रेनर सपोर्ट। देखो सपोर्ट बहुत ही जरूरी है, बिना सपोर्ट के हम कभी भी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, और सपोर्ट परफेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। अगर गलत सपोर्ट लोगे तो आपको इंजरी हो सकती है और आपके शरीर को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और आप कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाओगे अगर आप गलत सपोर्ट लेते हो। सपोर्ट बहुत जरूरी है, जब हमारे पीछे कोई सपोर्ट होती है तो हमारा पहली बात तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हम उस वजन को उठाने के लिए ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के बाद जब आपको परफेक्ट सपोर्ट मिलती है, उसको पता है कि कैसे सपोर्ट करनी है, तो आपकी स्ट्रेंथ भी गेन होती है। अगर गलत सपोर्ट करोगे तो बंदा खुद ही उठाएगा, जब आपको इंजरी होगी या पीछे वाले को इंजरी होगी। इसलिए जब भी आप सपोर्ट लेते हो तो आपको वेल ट्रेन बंदे से सपोर्ट लेनी है, जहाँ फिर ट्रेनर को बोलना है भाई इसमें मैं हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ मेरे को सपोर्ट कर। ट्रेनर को पता होता है कि किस तरह से सपोर्ट करनी है प्रॉपर बेस से। तो प्रॉपर बेस से अगर आपको सपोर्ट मिलती है तो भी आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी बिल्डिंग होती है, अच्छे मसल बिल्ड होते हैं। स्पोर्ट भी परफेक्ट वाली लेनी है, हर किसी को नहीं बोलना है स्पोर्ट के लिए। अगर आप हैवी वेट उठा रहे हो तो उसके पीछे जब स्पोर्ट लेते हो तो एक वेल ट्रेन बंदे को स्पोर्ट के लिए बोलना है, और स्पोर्ट जरूरी है। विदाउट स्पोर्ट आप कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, छोटा सा वेट भी नहीं उठा पाओगे। इसलिए अपने पीछे स्पोर्ट रखिए, वो अच्छी बात है। जब स्पेशली हैवी लिफ्ट कर रहे हो, भले आप उठा लेते हो सेल्फ, लेकिन स्पोर्ट विल बी
रखिए। उससे क्या होता है, कभी कभी हमारा बॉडी की एनर्जी ड्रेन होती है, हम चाहते हैं कि उस, हमें पता है मेरी इतनी स्ट्रेंथ है बट नहीं उठा पाते हैं, तो अगर स्पोर्ट नहीं होगी तो आपको इंजरी होगी, वो सारा का सारा वेट आपके ऊपर गिर जाएगा, उसको हटाने में दिक्कत हो सकती है, ये बहुत बड़ा सीरियस बात है। इसलिए स्पोर्ट लीजिए और आपकी स्ट्रेंथ इससे भी इम्प्रूव होगी। नंबर फोर है, आपको क्या करना है, पुश करना है अपने आप को। 6 महीने से कांस्टेंट सेम वेट पे वर्कआउट कर रहे हैं, सेम वेट पे वर्कआउट कर रहे हैं, सेम वेट पे वर्कआउट कर रहे हैं, अपने आप को पुश करो। मैं 100 kg तक लगा रहा हूं तो 105 तो ट्राई कीजिए। अगर आप सेम वेट पे रोज आते हो, 10-10 के डंबल लगाते हो, 10-10 का बेंच प्रेस लगाते हो, तो इससे कभी भी ना स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना आपके आपके मसल बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। कांस्टेंट रहोगे, सालों साल गुजर जाएंगे, आप वैसे के वैसे रहोगे। इवन कि आप कम हो सकते हो, बढ़ नहीं सकते हो। आप रोज वर्कआउट करते हो, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाइए, कल से आज आपका बेहतर होना चाहिए। अपने आप को पुश करना है, थोड़ा 2.5 kg, 10 kg अपने वजन को इंक्रीज करना है, उसको लिफ्ट करने के बारे में सोचना है, वजन को इंक्रीज करना है, अपने आप को पुश करना है, कल से आज को बेहतर करना है, आज से कल को बेहतर करना है। तो अपने आप को पुश करोगे, इससे भी आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, आपके मसल्स अच्छे बिल्ड होंगे, आपका अच्छा शरीर बनेगा। और लास्ट है नंबर 5, डाइट, मोस्ट कॉमन। आप कितना भी वजन उठा लो, कितना भी मसल्स ब्रेक डाउन कर लो, अगर आपने अच्छी डाइट फॉलो नहीं करी तो आप स्ट्रेंथ इंक्रीज के बारे में भूल ही जाइए, आप बॉडी मसल बिल्डिंग के बारे में भी भूल जाइए, आप सब कुछ हर चीज के बारे में भूल जाओ। आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन आपकी अच्छी डाइट भी चाहिए ताकि जो आपका ब्रेक डाउन हुआ है उसको रिकवर कर सके, आपके मसल्स को रिकवरी जरूरी है। तो बेहतर डाइट मतलब बेहतर रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट मतलब अच्छी बॉडी बिल्डिंग, अच्छे मसल्स आपके दिखेंगे और आपके शरीर में अच्छी स्ट्रेंथ होगी। सो ये जो 5 स्टेप मैंने आपको बताए, इनमें से जो आप गलती करते हो उसको सुधार कीजिए, आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, कल से आज को बेहतर बनाइए, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपके मसल्स भी बढ़ेंगे, आप हर दिन बेहतर दिखोगे। डाइट बहुत जरूरी है, डाइट रखोगे तो और भी अच्छा निखरोगे, अगर नहीं रखोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ना तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, ना तो आपके मसल्स बनने वाले हैं, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इवन कि एक टाइम ऐसा आएगा आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, आप स्किप कर दोगे, अब लोग मैं वर्कआउट नहीं करूँ, मेरे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आने के यही कारण है और स्ट्रेंथ ना बनने के भी यही कारण है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रेंथ क्या होती है, किस तरह से हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।